please do not forget to like, share and subscribe. Okay, done. मराठीत बोला, मराठी मराठीत बोला. मी चॅनलला तुम्हाला लाईक करायचं, शेअर करायचं, सबस्क्राईब करायचं आणि कमेंट करायचं आणि पूरा व्हिडिओ बघायचा. हमारा जो सेट है वो है फिल्म सिटी के अंदर, फिल्म सिटी में आई मीन. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फिल्म सिटी में और कौन से सेट्स है. वैसे नहीं मैं इतना सब नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं फिल्म सिटी टूर का एक अलग से व्लॉग करूँ. तो मुझे व्लॉग के लिए मटेरियल्स भी तो चाहिए, तो मैं सब कुछ एक व्लॉग में कैसे दिखा दूंगी. बट फिल्म सिटी से एंटर करने के बाद हमारे सेट तक क्या क्या है, कौन से सेट आते हैं, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ. तो चलते हैं अब फिल्म सिटी के अंदर, लेट्स गो. तो यहाँ अंदर भी काफी सारे सेट्स हैं. यहाँ किसी और चैनल का शो आता है, उसका सेट है. अब हम और चलेंगे थोड़ा सा आगे अंदर. तो ये आप देख रहे हैं, ये हम अब एंटर कर रहे हैं फिल्म सिटी. ये रहा फिल्म सिटी, दैट इज कॉल्ड दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी. ओके, सो हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे. और ये रोक देख के पूछते हैं आपको कहाँ जाना है. गुम 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 गुम. तो उन्होंने कहा मैम फिल्म सिटी का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है. बट मैंने कहा ओके. उसके बाद मैंने फिर अपना कैमरा ऑन कर दिया और मैंने कहा हम तो वीडियो बनाएंगे. तो चलो चलते हैं. अब ये रही फिल्म सिटी, हमने फिल्म सिटी में एंटर कर लिया है. तो अभी अगर कुछ आता है, अभी ये तो इससे खैर खाली खाली रोड है, तो इसलिए मैं आपको क्या ही दिखाऊँ यहाँ पे. ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में जो सेट है वो है संजलीला भंसाली का. सो यहाँ शूट हो रहा है. ये हीरा मंडी का सेट है. अब आप देख सकते हैं कितना यूज सेट है, कितना बड़ा सेट है. तो ये संजलीला भंसाली का हीरा मंडी का सेट है. यस, चलते हैं आगे. कुछ आता है मैं आपको दिखाती हूँ. सो यस गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं घूम के सेट पर. तो अभी सबसे पहले मैं रेडी होती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि व्लॉग बनाते बताते बहुत लेट हो जाए और हम टाइम पे रेडी ना हो तो बता पड़ती है. तो पहले मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी सेट. और ये रहा गुम है किसी के प्यार में का सेट. तो अब हम कर रहे हैं एंट्री और उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है सेट पे. लेकिन पहले तैयार हो जाते हैं. एक्शन. सो गाइस, ये है हमारे गुम का सेट. और थोड़ा यहाँ टिल्ट करो, यहाँ सबकी मेकअप जितना भी होगा. और आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको. पहले मैं आउटडोर दिखाती हूँ, इंडोर हम आते हैं. यहाँ भी है मेकअप, ये हम बहुत सारे लोग हैं जो हाउस चौहान वाड़ा और भी है, मतलब फेस्ट पे हम लोग क्या होता है ना
इतना दिख रहा है आपको, लेकिन किसी में 50 चीज़ें बन जाती है जो कि आपको नहीं पता चलता बट हमें पता होता है। शांत कल का बैलेंस, तो हम अभी नहीं जा सकते ना यहाँ पे, वो हम चलते हैं अभी मेन सेट में, भोसले हाउस, भोसले हाउस चौहान माड़ा, चौहान माड़ा में लाइट होगी तो वहाँ चलते हैं। टेन 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 हो गया। अब आपको पता है मेकअप रूम से सेट पे जाने के लिए पूरा पहाड़ हमें क्रॉस करना पड़ता है ऐसे, बट अभी तो ये चलो ठीक है, लेकिन जब बारिश आती है ना तो इतना इतना वो ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है गिर जाएगा इंसान। आप आगे देखो, जैसे वो वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए आपको चढ़ के जाना पड़ता है, वैसे ये सेट जो है उस पर चढ़ जाने के लिए भी हमें ऐसे ही, ये देखो ऐसी काठियाँ लेके चलते थे वैष्णो देवी में, यहाँ पे भी काठियाँ लेके चलते ऐसे जाते ना ट्रैकिंग। ये आ गए हम, और हमें दाग दे जितने भी भोसले में मुझे दिखे हॉल वाले सीन भी देखे हैं तो वो उनकी लोकेशन है, ये सोचते हैं इतना ढक दिया जाता है कि ना हो इसलिए ये झूला देखो। और ये कौन बजाता है मुझे आज कभी कभी हमने किसी थीम बजाते हुए देखा नहीं, बट फिर भी भोसले भोसले और वो कैसे है ये है। भोसले का डाइनिंग टेबल, तो ये अभी फिलहाल गलती है ताकि ख़राब ना हो, तो जितने भी डाइनिंग टेबल वाले सीन्स होते हैं जो खाना खाते हैं परोसते हैं और खाते वक्त लड़ाइयाँ होती है वो यही होती है। अब हम ये पता करेंगे कि शूट कहाँ हो रहा है। कॉलेज का कॉरिडोर वे सेट पे, और इधर क्या बाजू में डाइनिंग टेबल के पीछे वाली साइड कॉलेज का मेन डोर वही से किचन वाले सीन्स हुए हैं वो यही शूट होते थे। करण करण कॉलेज का वो कैंपस बनाते हैं, कभी कैंटीन बनाते हैं, कभी कैफे बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे बनाते हैं। अब हम चलेंगे चौहान निवास, क्या था मुश्किल क्या है ये पार्क, ये है ना पौंडा जिससे ठंडी ठंडी हो रही है। अच्छा ब्लॉक कर रहा हूँ, ये इसका रूम है
ये अभी के लिए अपना घोसला हाउस में सभी का रूम है। अच्छा, ये पता नहीं अभी के लिए सभी जा रहे हो कि वो वाला रूम है, बट इसको भी कभी किसी का बनता रहता है, फिक्स नहीं है। ये है मेरा और सभी का बेडरूम, जहाँ हमने बहुत सारे सीन्स किए हैं जब सभी चौहानवाड़ा में रहती थी, तो यहाँ हम सोते थे। अब ये सोने लायक नहीं बचा है, गंदा हो चुका है। यहाँ हम तैयार होते थे और ये रहे छोटी सभी, छोटे विनायक और विराट मामा जो कि अभी बाहर घूम रहे हैं, जो कि अभी पता नहीं कहाँ एंजॉय कर रहे होंगे फिलहाल। और यहाँ होते हैं हमारे कपड़े, जहाँ अभी बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये मेरी फेवरेट जगह जहाँ मुझे शूट करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम सब साथ में शूट करते थे, किशोरी मैम, निनाद सर, अश्विनी मैम, मतलब भानी आजी, बड़ी आजी, छोटी आजी, सब बहुत मज़े किए हमने यहाँ पे। और ये थी मेरी फेवरेट जगह जहाँ मैं बैठती थी और यार हो रहा है। और यही वो जगह है जहाँ मैंने सिर्फ झाड़ू लगाए हैं, पोछे लगाए हैं, जितने भी झाड़ू पोछे वाले सीखे सब। ये रहा चौहान वाले का किचन, यहाँ भी मैंने बहुत सारे सीन्स किए हैं। यहाँ मैंने आटा गूंदा है, सब्जी काटी है, बहुत सारे सीन्स किए हैं यहाँ भी मैंने। तो ये है किचन, और किचन में ये सब नकली चीज़ें, वैसे है तो असली बट खाने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने साल की है। और ये सब सामान रखा हुआ है यहाँ पे किचन में। तो ये है चौहान निवास का किचन, और वो था बेडरूम भवानी मैम का। अब वहाँ पता नहीं कुछ तो बन रहा है नया से, यहाँ कुछ और बन रहा है, तो सेट का ऐसे ही होता है, जहाँ जगह मिली वहाँ खाड़ कुछ और बन गया। अरे आ रहा माता, ये होना जरूरी है मेरे साथ। सेट याद कर रहा है, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? और ये है चौहान निवास का ड्राइंग रूम, जो कि ढक चुका है। यहीं पे हमने प्रमोशन किया था चिकनी चमेली वाला, अगर आप लोगों को याद होगा तो। तो ये है ड्राइंग रूम चौहान निवास का। अब बाकी की चीज़ें मैं दिखाऊंगी आपको बाद में, क्योंकि आधी जगह शूट चल रहा है और ऊपर भी शूट चल रहा है। मनीषा वाली आ गए शी इज वेरी स्वीट एंड आई लव हर, आई लव यू टू। साइलेंस साइलेंस, लास्ट टाइम मैंने आपको पूरा घूम का सेट दिखा दिया था, बस एक चीज़ बची थी, वो थी हरनी हाउस, मेरा घर। तो ये मेरा घर है, ये नहीं है, ये मेकअप रूम था यहाँ पे। बेसिकली हम ना जो दूसरा शो है हमारे प्रोडक्शन का TMD तेरी मेरी डोरिया, उनके सेट पे शूट करते हैं, तो ये उनकी मेकअप रूम है, तो जो भी खाली होती है ना वो हमें मिल जाती है। तो बाकी अब हम चलते हैं हरनी हाउस, छोटा सा है लेकिन दिखता बड़ा है, है नहीं बड़ा, छोटा है बहुत ज़्यादा। आप ले रहे हो, वेलकम टू माई हाउस।
और ये है सोहेल, फिरोज, रीना, ये है छोटा सा हल्दिया और वहाँ ना अभी फूड चल रहा है जहाँ किचन है। हमेशा बैठ के बातें करते हैं, एक जगह है हमारे पास और कोई जगह नहीं है, इतना सही है। बाकी बेडरूम बेडरूम को भी हमने शूट नहीं किया तो क्या पता कहाँ है क्या नहीं, इतना सही है। कांदे हम Please do not forget to like, share and subscribe. Okay, done, done. I am a new vlogger. Phone pe, phone pe, phone pe. Marathit bola, Marathit. Marathit bola. Marathi, hey channel la tumhale tumhala subscribe kara. Chalo shooting kala andar room mein. Chalo Priya. Like karaycha, share karaycha, subscribe karaycha. आणि कमेंट आणि पूरा व्हिडिओ बघायचं, दाढी बढायचं आणि दाढी जाणाय नाही। हाय गाइस, और मेरे मैं हमारा बेडरूम भी है तो ये हॉल था और अब किचन में अच्छे से दिखाती हूँ। ये किचन है, यहाँ एक गद्दा होता है जहाँ सभी सोती है, इसी गद्दे पे हम दोनों बैठ के बात करते हैं क्योंकि और कोई जगह है ही नहीं ना, क्या करेंगे। और ये किचन है जहाँ मैं खाना बनाती हूँ, अभी मैंने पोहा बनाया है बहुत ही अमीर था, झूठ मत बोलो, ज़्यादा मैं खा चुकी हूँ, कटनाए बोला है तो। और ये बस थोड़ी बहुत बर्तन है, मुझे लगता है यार हरनी हरनी चौहान से भी ज़्यादा गरीब है, जबकि दिखाया ऐसा था कि हरनी अमीर है, बट मुझे नहीं लगता ये चौहान से भी ज़्यादा गरीब है। बाद में जब दिखाएंगे तो दिखाएंगे, तब तक के लिए यही है। सलाह तो पैकअप घर में जाते, घर ही बाय 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 बाय।